इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए। ये ट्रांसफार्मर वाला अल्टरनेटर है, इसकी हमने आर्मेचर बांधा था और फील्ड बांधी थी, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आई बटन में डाल दूँगा और लास्ट में भी दे दूँगा, आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर में भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में, ठीक है। ये इसका ट्रांसफार्मर है और इसके कनेक्शन हमने करे हैं, तो ये देख लें, ये एक तार है और एक तार इसके नीचे गया है, ये देखिए आप कार्बन कैंची का, जो ट्रांसफार्मर से सीधा कार्बन कैंची पे गया है और कार्बन कैंची से ये वाला तार आया, देख सकते हैं आप। और ये डायोड है इसके, लास्ट में प्लस माइनस हो गए और बीच में इसके हमारे एक उस पर चला गया कैंची पे और दूसरा ट्रांसफार्मर पे। ये देखें ट्रांसफार्मर के जो बीच की बड़ी गलत तार होती है दूसरा उसमें जाता है, तो आप ये देख सकते हैं, अब ये एक तार हमारा मेन निकल गया और एक ये नीचे से आया, एक ये निकल गया और एक ट्रांसफार्मर का सीधा डायरेक्ट चला गया हमारा कार्बन कैंची पे और कार्बन कैंची से घूम का आया ऊपर को बाहर निकल गया, ठीक है जी। अब ये हमारे फील्ड के तार हैं ये दोनों, तो ये देख सकते हैं आप काले वाला जो डायोड का तार है ये ट्रांसफार्मर पे जाएगा, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से कनेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा दिखाई भी नहीं देता, थोड़ा आप समझें। तो ये देखें हमने कनेक्शन कर दिए हैं, ये लाल और काले दिख रहे हैं, ये डायोड के लग रहे हैं ये वाले प्लस माइनस, तो हमने लगा दिया। आप वोल्टेज देख सकते हैं कितने वोल्टेज दे रहा है, 230 के करीब दे रहा है, ये देखें। इसमें पेपर मैंने ये देखें कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहे हैं, इसके बीच में पेपर लगे हुए हैं, उनका गैप कम ज़्यादा होएगा तो वोल्टेज भी कम ज़्यादा होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें जो ट्रांसफार्मर, इसमें देखो ये वाइट पेपर लग रहा है और इसको दबा रहे हैं हम, देखें आप दबा रहे हैं तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये देखें से हम उसका गैप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कितने होते हैं, देखें वोल्टेज बढ़ रहे हैं इसका गैप बढ़ाने पे। आप लूप से भी इसके वोल्टेज बढ़ा सकते हो और पेपर लगा के भी वोल्टेज बढ़ा सकते हो, तो ये देखें इस तरीके से आप इसके वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो, पेपर ज़्यादा लगा के वोल्टेज बढ़ जाएंगे, पेपर हटा के वोल्टेज कम हो जाएंगे और इसके लूप से भी वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे जो इसके फील्ड के तार हैं वो माइनस प्लस डायोड पर लग गए और जो फील्ड इसके ट्रांसफार्मर के तार हैं मोटे वाले, एक डायरेक्ट आर्मेचर पर चला गया और एक सीधा बाहर आ गया और एक डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का बाहर आ गया, ठीक है जी। दोनों तार ट्रांसफार्मर का एक मेन बाहर आ गया और ट्रांसफार्मर का आर्मेचर से घूम के सीरीज में वो भी बाहर आ गया, तो अब ये देखें वोल्टेज कितने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने वोल्टेज हैं इसके, 300 कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, डायरेक्ट हम चेक करते हैं तो 300 कुछ वोल्टेज हैं, तो आप समझ गए ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टेज कम है, और ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट चेक करते हैं तो 300 कुछ वोल्टेज है, तो मतलब इसमें 300 कुछ वोल्टेज हैं, तो इससे हम कम कर सकते हैं, 300 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो देखने धन्यवाद।